हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये चिकन की कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये हम चिकन का फैब्रिक लिया है, देख सकते हैं डिज़ाइनर फैब्रिक है। इसे हम आज सुंदर सी कुर्ती बनाएंगे, इसलिए हमने कपड़े को 4 लेंथ में बिछा लिया है। इसकी लंबाई हम फुल लेंगे जो कि 14 इंच है पूरी। यहाँ से हम आर्म को निशान लगाएंगे 6 इंच, 6.5 इंच पर। कमर के लिए 14 इंच पर मार्क करेंगी और कट के लिए हम 14 या 13 इंच पर आप मार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने 14 इंच पर मार्क कर दिया है। इन सभी को मिला लेंगे हम। यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 14 के हैं तो मैंने 7 पर मार्क कर दिया है। उसमें 1 इंच हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया था। इधर से भी हम 7.5 पर मार्क कर देंगे और लाइन खींच देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमें 32 की है तो हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे और इसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं हमने कर दिया है। और गोले का निशान लगा देंगे। और हम फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। इसको भी तिरछा मिला लेंगे और इसमें भी हम गोले लगा देंगे अच्छे से। यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा 3 इंच का होगा, 3.5 इंच का है। इसकी फ्रंट गला हम 4 साढ़े 4 इंच का लेंगे। इसको मिला लेंगे अच्छे से और एक गले का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम बैक गले का निशान लगाएंगे जो कि हमारा 3 इंच पे होगा। दोनों गले के साथ में निशान लगा लेंगे हम क्योंकि हम बॉटनेक बनाने वाले हैं। ये देख सकते हैं हमने दोनों गले के निशान लगा लिए अच्छे से। यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे जो कि 7 इंच पर था, 28 का चौथा भाग, और 2 इंच मार्जिन ऐड कर दिया है। हिप के लिए भी हम 9 पर निशान लगाएंगे, 36 इंच हमारे हिप है। उसमें हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया है। ये हमारा मार्जिन का निशान है, ये हमारा फिटिंग का निशान है, देख सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम फ्रंट नेक की कटिंग कर देंगे अलग करके कपड़े को। देख सकते हैं हम कटिंग कर दी कुर्ती की पूरी। अब यहाँ से हम कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर देंगे और आर्म होल की छटाई कर देंगे। जो हमने आर्म होल का फ्रंट का निशान लगाया था उसको भी कटिंग कर देंगे हम। ये देख सकते हैं काट दिया अच्छे से। यहाँ से हम शोल्डर को डाउन कर देंगे 1/2 इंच। देख सकते हैं मैं शोल्डर भी 1/2 इंच डाउन हो गए। इसी का हमने अस्तर का फैब्रिक भी काट लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़े को 2 फोल्ड बिछा लिया है, इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 9 इंच और लंबाई लेंगे इसकी हम 14 इंच। उसमें 1 इंच हमने सिले का 1.5 इंच सिले का मार्जिन ऐड कर दिया है दोनों साइड से। यहाँ से 2.5 इंच की गोली का निशान लगाएंगे और गोली का निशान लगा देंगे, देख सकते हैं। और यहाँ से हमें फिटिंग का निशान है। फिटिंग हमारी 5 इंच की है, 10 इंच की जिसका हाफ पाइप 5 होता है। उसमें 1.5 इंच हमने सिले का मार्जिन ऐड कर दिया है। इसकी भी कटिंग कर देंगे हम। देख सकते हैं कटिंग कर दी हमने। हम फ्रंट की छटाई भी कर देंगे अच्छे से। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और ये आस्तीन रेडी हो गए। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे जो हमने अस्तर का फैब्रिक काटा था। इनको उल्टी साइड रखते हुए हम पहले नेक की सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से सिलाई लगानी है आपको, गोल गले में, राउंड शेप में।
अब इसके हम नोचेस लगा लेंगे छोटे छोटे। ये नोचेस आपको ध्यान से लगाना है वरना आपका कट लंबा भी हो सकता है। अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। इसमें बुकरम का यूज़ नहीं किया है, देख सकते हैं हमने अच्छे फिनिशिंग से इसको पलट दिया है। अब इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिले लगा देंगे जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेगी। देख सकते हैं हमें फिनिशिंग सिले अच्छे से लग चुकी है। अब इसकी साइडों को भी हम ज्वाइंट कर देंगे अच्छे से। अब ये बैक का गला तैयार करेंगे। बैक के गले को भी हम उसी तरह से उल्टा रखकर मशीन चला लेंगे गले के अंदर फिनिशिंग के साथ। इसमें भी हम नोचेस लगाएंगे छोटे छोटे। वो गले को मोड़ देंगे अच्छे से, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिले लगा देंगे। ये कुर्ती बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी। आप भी इस तरह फैब्रिक लाकर घर पर कुर्ती रेडी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया है और साइडों की सिले लगा देंगे इसकी भी हम। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। हम सीधे से शोल्डर को अटैच करेंगे और फिर इसको गुम सिलाई करके फिनिशिंग लुक दे देंगे। ये हमारा गला रेडी, ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हल्की हल्की छटाई आगे से कर देंगे और हम बीच में कट लगा देंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। बीच में रखते हुए दोनों साइड से हम आधी आधी फोल्ड कर देंगे जिससे हमारी स्लीव्स दोनों साइड्स बराबर आ जाएगी। इधर भी बचे हुए साइड में भी हम, आप कभी भी आस्तीन को बीच से स्टार्ट करेंगे तो आपकी आस्तीन फिनिशिंग से लगेगी। देख सकते हैं हमने स्लीव्स को भी अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। इस साइड भी हम स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग का निशान में फर्स्ट में बताया था वही निशान है ये। बस आपको नीचे की साइड लाते हुए सुई को अंदर ही घुसाना है और यहाँ से रिवर्स करना है जिससे कि ये फिनिशिंग से आपका कट लगेगा। उसके पास पास आपको एक और सिले लगा देनी है। ये देख सकते हैं फिटिंग सिले भी फिनिश कर दी है और इस साइड भी लगा दी है। अब इसके हम कट करेंगे। इसको हमने जो हमने 1 इंच मार्जिनेट किया था उसी को 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अच्छे से मोड़ देंगे। देख सकते हैं आपको फिनिश के साथ मोड़ना है। नीचे की साइड नहीं मोड़ेंगे क्योंकि नीचे में डिज़ाइन से, इसलिए नीचे की साइड छोड़ दिया है। इस तरह हम साइड के पीस को भी ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल किनो किनो पे लगाना है आपको फिनिशिंग के साथ। ये मेरी कुर्ती रेडी है। देख सकते हैं कितनी सुंदर कुर्ती बनी है। इस तरह आप भी घर पर आसानी से डिज़ाइनर कुर्ती रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ये कुर्ती का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।